खबर यूपी के बस्ती से है, जहां एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी एएसपी भी दीपेंद्र नाथ चौधरी के नेतृत्व में एसओ वाल्टनगंज व स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओ वाल्टनगंज नारायण लाल श्रीवास्तव व स्वाट टीम की प्रभारी उमा शंकर त्रिपाठी की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय तारकोल चोर गिरफ्तार हुए हैं। एसओ नारायण लाल श्रीवास्तव ने तारकोल चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओ वाल्टनगंज नंदलाल श्रीवास्तव ने अभियुक्त के पास से 3,50,000 कीमत का 26 ड्रम तारकोल और पिकअप भी बरामद किया है। बता दें कि अभियुक्त के खिलाफ पुराना फ्लैट में तारकोल चोरी करने वाला मुकदमा वाल्टनगंज थाने में पहले से ही दर्ज था। एसओ नारायण लाल श्रीवास्तव ने थाना क्षेत्र के मनौरी चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बस्ती में नवागत एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपेंद्र नाथ चौधरी सीओ सदर आलोक प्रसाद भी मौजूद रहे। बस्ती से जयप्रकाश यादव की खास रिपोर्ट। ये थाना वाल्टनगंज में दो घटनाएं हुई थी 16 फरवरी को और 21/22 की रात को। इसमें पीडब्ल्यूडी का कुछ काम चल रहा था, वहाँ पे ड्रम तारकोल के चोरी हो गए थे। एक दिन 16 ड्रम हुए थे, एक दिन 22 ड्रम हुए थे। इसमें हमारे थाने की टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम ने बहुत अच्छा गुणवर्क किया है। इसमें आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अयोध्या, रवि, करण, नंदा और ब्रजेश की। 26 ड्रम रिकवर हुए हैं और एक पिकअप रिकवर हुआ है। इसमें कुछ लोग और वांछित हैं, ये गैंग के रूप में कार्य करते हैं। और इसमें एक अभियुक्त करण का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है 2020 से। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई है और अग्रिम कार्रवाई पर चली है। लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? उनकी गिरफ्तारी यहीं मुख्य सूचना पर हुई है, मनोरी चौराहे से। और बाकियों की गिरफ्तारी की जांच की जा रही है। सर, क्या कुछ बरामद किया गया है लोगों के पास? इनसे बरामद की हुई है 26 ड्रम तारकोल और एक पिकअप ट्रक जो चोरी में यूज़ किया था, वो बरामद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।